नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री मोदी का राहुल गांधी पर पलटवार, विरोधियों पर भी बरसे। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का नाम लिए बिना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को व्यंग्यात्मक लहजे में कहा कि उन्होंने बोलना शुरू करके अच्छा किया, इससे देश भूकंप से बच गया। मोदी ने बनारस में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आयोजित संस्कृति महोत्सव में कहा कि एक युवा नेता अभिभाषण सीख रहे हैं। जब से उन्होंने बोलना शुरू किया तब से मैं बहुत खुश हूं, क्योंकि 2009 के पहले पता ही नहीं चलता था कि इस पैकेट में क्या क्या है, अब पता चल रहा है। गौरतलब है कि नोटबंदी को हिंदुस्तान के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला करार देते हुए मोदी सरकार की तीखी आलोचना करते हुए कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने 9 दिसंबर को संसद के बाहर कहा था कि सरकार बहस से भाग रही है, अगर मुझे बोलने देंगे तो आप देखेंगे कि भूकंप आ जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि युवा नेता कहते हैं कि जिस देश में 60% अनपढ़ हो वहां मोदी जी कैशलेस व्यवस्था कैसे लागू कर पाएंगे। उन्होंने सवाल किया कि 60% अनपढ़ की बात करके गांधी किसका रिपोर्ट कार्ड पेश कर रहे हैं। देश में सर्वाधिक समय तक शासन उन्हीं के परिवार ने किया है, तो अनपढ़ों की संख्या इतनी कैसे रह गई। मोदी ने नोटबंदी का विरोध करने वाले राजनीतिक दलों और नेताओं पर पाकिस्तान की तरह रणनीति अख्तियार करने और बेईमानों को बचाने के लिए राजनीतिक कवर देने का आरोप लगाया। मोदी ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह 1970 से देश की अर्थव्यवस्था की कोर टीम में थे। डॉक्टर सिंह का कहना है कि जिस देश में 50% लोग गरीब हों वहां कैशलेस व्यवस्था के लिए नई टेक्नोलॉजी कैसे लाई जा सकती है। डॉक्टर सिंह को बताना चाहिए कि 10 साल वह प्रधानमंत्री थे, देश के वित्त मंत्री थे, फिर भी आधी आबादी गरीब कैसे रह गई। प्रधानमंत्री ने कहा कि इसी तरह पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने कह दिया कि 50% गांव में बिजली ही नहीं है, जब ज्यादातर समय देश में शासन चिदम्बरम की पार्टी का था, तो यह सब कैसे रह गया। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ और प्रमुख खबरों पर। ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन बने आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर। नुसलीवाड़िया को टाटा स्टील के निदेशक पद से हटाया। काबुल में सांसद के मकान पर हमला, 7 लोगों की मौत। लालू यादव ने कहा मोदी के खिलाफ राहुल के आरोपों की सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में जाँच हो। मुसल में मोर्टार के हमले में 4 राहत कर्मियों और 7 नागरिकों की मौत। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।